हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम जानेंगे कुछ यूनिक तरह का ट्रांसलेशन जो आप अपनी डेली लाइफ यानी दैनिक जीवन में रोज़ प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं कि मेरे पास साइकिल है, मेरे पास मोटरसाइकिल है, मेरे चार भाई हैं, मेरी दो बहन हैं, या कि मेरे घर में चार कुर्सियां हैं, मेरे घर में दो पंखे हैं। इस तरह से अगर आप ट्रांसलेशन करते हैं तो किस तरह से उसका आप ट्रांसलेशन करेंगे, हिंदी से इंग्लिश कैसे बोलेंगे और उसका क्या स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है और कौन से सब्जेक्ट में किस तरह की हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और उसका निगेटिव इंट्रोगेटिव सभी तरह का रूल हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को, क्या है इसमें, पास में है या कि में है, कि पास है, कि भाई बहन आदि हैं। अगर इस तरह के आपको वाक्य मिलते हैं तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैज और हैव। हैज का यूज कहाँ होता है, हैव का यूज कहाँ होता है? हैज का यूज कहाँ होता है? थर्ड पर्सन में होता है। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? जो तीसरे व्यक्ति होते हैं, ठीक है। जैसे मतलब तीसरे व्यक्ति का हो गए ही, सी, इट और नेम, जो ये हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता हैज का। और प्लूरल पर्सन यानी अदर्स में, जैसे आई, बी, दे, यू। अब क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं? ही, सी, इट और किसी का नाम हो गया। ये क्या है, सिंगुलर पर्सन। ये क्या है, सिंगुलर पर्सन में यूज होता हैज का। और हैव का यूज कहाँ होता है? आई, बी, दे और यू में करते हैं हम हैव का यूज, ठीक है। तो हैज और हैव का यूज इस तरह होता है। तो कैसे करते हैं इसका ट्रांसलेशन, देखिए रूल होता है इसका। होता है पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम जानेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है और इसको लिखने का तरीका कैसा है। देखिए, राम के दो भाई हैं, राम के दो भाई हैं। तो जो हमारा राम है क्या है, नेम है, एक पर्टिकुलर नेम है। तो नेम के साथ यूज होता है हमारा हैज। तो राम हैज टू ब्रदर्स, राम हैज टू ब्रदर्स, राम के पास दो भाई हैं। ये हो गया क्या, राम हैज टू ब्रदर्स। इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, पहले हमने सब्जेक्ट को लिखा, सब्जेक्ट लिखा है, इसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज लगेगी, हैव लगेगी। तो राम है सिंगुलर पर्सन है, पर्टिकुलर नेम है, तो लग गया हैज। तो यहाँ पास हम हैज लगा देंगे। इसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो यहाँ पास ऑब्जेक्ट काम का कर दिया टू वर्ड्स, जहाँ पास अदर वर्ड होंगे तो अदर वर्ड्स भी आगे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला है देखते हैं, मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास एक घड़ी है। तो इसका क्या होगा, मेरे मतलब आई हो गया, आई कैसा है, क्या लगेगा आई के साथ, आई के साथ लगेगा हैव। तो आई हैव एक ए वॉच माने घड़ी, आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। तो इस तरह हो गया इसका ट्रांसलेशन। अब देखिए, कमरे में दो दरवाजे हैं। ये क्या, सभी जो सभी वाक्य हैं जिसमें पास है या कि में है या कि भाई बहन आदि हैं, इन सब में केवल हैज और हैव का ही यूज होगा। बस समझने की बात है तो ये कि सब्जेक्ट कैसा है और उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। कमरे में दो दरवाजे हैं, तो द रूम। अब कमरा कैसा है, रूम, एक ही कमरा है, सिंगुलर है। तो द रूम हैज दो दरवाजे, तो टू दरवाजा का है माने डोर, तो डोर्स हो जाएगा। तो द रूम हैज टू डोर्स, मतलब कमरे में दो दरवाजे हैं। इसका हो गया ट्रांसलेशन। अब देखिए, हमारे पास कई मित्र हैं, हमारे पास कई मित्र हैं। अभी सिर्फ क्या है, अफर्मेटिव चल रहा है, मतलब सिंपल चल रहा है। इसका निगेटिव भी जानेंगे। निगेटिव में आप अगर सोच रहे होंगे हैज नॉट है कि हैव नॉट करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो हमारा टेंस में रहता है। ये यूनिक ट्रांसलेशन है। इसमें हैज का निगेटिव होता है डज नॉट हैव, और हैव का निगेटिव होता है डू नॉट हैव। जानेंगे कैसे, निगेटिव वीडियो में। अब देखिए, यहाँ पास हमारा क्या है, हमारे पास कई मित्र हैं। हमारे हो गया वी। अब वी कैसा है, पर कैसा है सब्जेक्ट, प्यूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो वी हैव मैनी, मैनी माने होता कई या अनेक, मैनी फ्रेंड्स, फ्रेंड, ठीक है। तो वी हैव मैनी फ्रेंड्स, हमारे पास कई मित्र हैं। ये हो गया अफर्मेटिव। मतलब अगर सिंपल है तो कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट लिख देना है, उसके अकॉर्डिंग लगा देना हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ब लिख देना है। ये हो जाता है अफर्मेटिव का रूल। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव का रूल, किस तरह हम करेंगे। भाई दोस्तों, जानते हैं किस तरह के वाक्य का निगेटिव किस तरह बनाया जाता है। देखिए इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, पहले सब्जेक्ट होता है। अब क्या होता है कि नॉट में कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे लिखते हैं आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो क्या कर देते हैं, आई हैव नॉट अ पेन।
यह बिल्कुल गलत है, इस तरह से इसका निगेटिव नहीं बनता है। इसका निगेटिव किस तरह बनता है आइए जानते हैं। हैज रहा पास लगा होता है हैज, तो उसके निगेटिव में हम लोग लिखते हैं डज नॉट हैव, और जहां पास होता है हैव वहां पास निगेटिव में क्या लिखते हैं डू नॉट हैव, ना कि हैव नॉट, ना ही हैज नॉट। क्या लिखते हैं हैज की जगह में डज नॉट हैव और हैव की जगह में डू नॉट हैव। आइए देखते हैं इनका वाक्यों में प्रयोग। पहले सब्जेक्ट होता है फिर डज नॉट हैव या कि डू नॉट हैव, वो सब्जेक्ट के ऊपर रहता है। अगर सिंगुलर पर्सन है तो लगेगा डज नॉट हैव, अगर प्लूरल है तो डू नॉट हैव, इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। अब देखते हैं इसका हिंदी वाक्यों में प्रयोग। मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है, तो मेरे के लिए होगा यूज क्या आई, आई आई के साथ क्या लगेगा हैव लगेगा, तो नॉट के लिए क्या लगेगा डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव योर नंबर, ठीक है। तो क्या यूज होगा यहाँ पास आई डू नॉट हैव योर नंबर, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। अमित के पास साइकिल नहीं है, अमित के पास, अमित कैसा सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट है एक नेम है, ठीक है। तो अमित डज नॉट हैव अ साइकिल, अमित के पास साइकिल नहीं है। अब अगला हमारा सेंटेंस है रामू की बहन नहीं है, रामू के पास बहन नहीं है कि रामू की बहन नहीं है, तो क्या होगा रामू, अब रामू यहाँ पास कैसा कैसा एक सब्जेक्ट है नेम है पर्टिकुलर नेम है, तो नेम के साथ क्या है ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या लगेगा हैज और निगेटिव में डज नॉट हैव, तो लगेगा रामू डज नॉट हैव अ सिस्टर, रामू के पास बहन नहीं है। इस तरह से इस सेंटेंस का बनता है निगेटिव। निगेटिव बनाने का रूल सेम अफर्मेटिव जैसे, बस इसमें नॉट जोड़ना है, लेकिन हैज नॉट और हैव नॉट नहीं जोड़ना है। इसमें क्या जोड़ना है हैज की जगह पे जोड़ना है डज नॉट हैव और हैव वाले में जोड़ना है डू नॉट हैव। अब इसका हम जानते हैं, ये हो गया हमारा निगेटिव। अब जानते हैं इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और इसका क्या रूल है। यहाँ पास इसके रूल में दिया गया है कि डू और डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद हैव, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ऐसा हमने क्यों किया है कि डू डज पहले आ गया है और पार्ट में बांटा है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, फर्स्ट इंट्रोगेटिव और सेकंड इंट्रोगेटिव क्यों बांटा है आइए जानते हैं। क्या है कि अगर क्या शब्द जो है हमारा पहले आता है, जिस तरह इसमें दिया गया क्या शिवम की दो बहनें हैं, अगर क्या शब्द हमारा पहले आता है तो उसमें कोई इसे व्हाट होता है, व्हाट मतलब होता है क्या, व्हाट मतलब क्या, हाउ मतलब कैसे, व्हाई मतलब क्यों, व्हेन कब, वेयर मतलब कहाँ, ये सब क्वेश्चन वर्ड हैं तो इनका यूज नहीं होगा। अगर पहले ही क्या बोल दिया गया, क्या पहले ही आ जाता है तो इस क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं होगा, वहाँ पास क्या होगा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगी। अगर यही क्या बीच में आया, राहुल के पास क्या है, अब ये क्या वर्ड जो है बीच में आया है तो क्या की जगह पर क्या प्रयोग होगा व्हाट का, लेकिन अगर क्या शब्द पहले आ जाता है तो उसके जगह व्हाट का या कि क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं होगा। किसका यूज होगा हेल्पिंग वर्ब का, कैसे होगा डू या डज जो भी सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी उसको लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर हैव लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क, इस तरह से वाक्य को कंप्लीट कर देंगे। और अगर कमरे में पांच खिड़कियां क्यों हैं, अगर यही शब्द जो शब्द है प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा है वाक्य के, हिंदी वाक्य के बीच में आ रहा है, उसके लिए लगाएंगे इंट्रोगेटिव वर्ड। दूसरे रूल में देखिए डब्ल्यू एच वर्ड, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है उसको लगाएंगे, इसके बाद डू और डज लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार डू और डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हैव लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की साइन लिखेंगे, ठीक है। अब इसका देखते हैं किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं वाक्यों में। क्या शिवम की दो बहनें हैं, अब क्या शब्द पहले आ गया है तो इसमें क्वेश्चन वर्ड यूज नहीं होगा, तो क्या शिवम, अब शिवम कैसा है सिंगुलर पर्सन है तो क्या लगेगा यहां पास डज, डज शिवम हैव टू सिस्टर्स, डज शिवम हैव टू सिस्टर्स, क्या शिवम के पास दो बहनें हैं।
अब यहाँ पास दिया गया है राहुल के पास क्या है, अब यही क्या बीच में आ गया है, तो क्या करेंगे, वाट मतलब होता है क्या, तो पहले लिखेंगे वाट, फिर राहुल में लगेगा, तो राहुल में लगेगा डज, वाट डज राहुल हैव, वाट डज राहुल हैव, राहुल के पास क्या है, इस तरह से होगा। अब देखते हैं तीसरा हमारा जो एग्जांपल है, हमारे कमरे में पांच खिड़कियां क्यों हैं, कमरे में पांच खिड़कियां क्यों हैं, जो हमारा क्यों शब्द है वो होता है वाई, वाई कमरे में, रूम क्या है सिंगुलर है, तो वाई डज, वाई डज रूम हैव फाइव विंडोज, फिर क्वेश्चन मार्क, वाई डज रूम हैव फाइव विंडोज, रूम में यानी कमरे में पांच खिड़कियां क्यों हैं। अगला हमारा फोर्थ एग्जांपल है, आपके कितने भाई हैं, आपके कितने भाई हैं, तो कितने आ गया बीच में, तो हाउ मैनी, हाउ मैनी ब्रदर्स, ब्रदर्स आपके, तो आपका यू, तो यू में क्या लगेगा, डू यू हैव, क्या लगेगा, हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, आपके पास कितने भाई हैं, इस तरह से बनाया जाता है इसका प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य इस रूल से बनाया जाता है। अब हम आगे जानेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य कैसे बनाया जाता है। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य किस तरह बनाया जाता है और इसका रूल क्या है। देखिए उसी तरह बनाया जाएगा जिस तरह से प्रश्नवाचक शब्द बनाए जाते थे, बस निगेटिव मतलब नकारात्मक के लिए नॉट जोड़ना जरूरी है। तो नॉट कहाँ जोड़ेंगे ये देख लीजिए, क्या है कि अगर फर्स्ट इंट्रोगेटिव में जहाँ पास हेल्पिंग वर्ब पहले आती थी, क्वेश्चन वर्ड नहीं आता था, क्योंकि क्या शब्द पहले आता था वाक्य के, क्या शब्द वाक्य के पहले आता था, इसलिए वहाँ पास हेल्पिंग वर्ब यूज होती थी, तो वहाँ पास नॉट कैसे लगाएंगे, तो डू डज जो हेल्पिंग वर्ब लगती है उसके बाद लगता है हमारा सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के बाद लगता है नॉट लग जाएगा, इसके बाद लगेगा हैव, मतलब जो नॉट लगाना है वो हैव के पहले और सब्जेक्ट के बाद लगाना है, और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड लग जाएगा। इसी तरह डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव वर्ड्स में क्या लगेगा, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लग जाएंगे, फिर डू और डज लग जाएगा, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, और फिर नॉट लगा देंगे, इसके बाद हैव, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क, इस तरह से करेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल से इसको क्लियर हो जाएगा। क्या तुम्हारे पास मेरी घड़ी है, अब क्या पहले आ गया है, तो क्या लगेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, तुम्हारे पास, तो तुम्हारा क्या है यहाँ पास प्लूरल पर्सन है, तो मतलब क्या लगेगा, डू नॉट हैव, ठीक है, तो यहाँ पास क्या लगाएंगे, डू लग गया, फिर इसके बाद क्या लगेगा, डू के बाद लगेगा सब्जेक्ट डू यू, फिर लगेगा नॉट हैव, इसके बाद लगेगा माई, मतलब मेरी घड़ी, तो माई डब्ल्यू ए टी सी वॉच, फिर क्वेश्चन मार्क, क्या होगा, डू यू नॉट हैव माई वॉच, क्या तुम्हारे पास मेरी घड़ी नहीं है, इस तरह से। अगला है हमारा एग्जांपल, उनके पास किताबें क्यों नहीं है, अब यही क्यों जो है क्वेश्चन मार्क बीच में आ गया है, तो क्यों किसे लगाते हैं, वाई, वाई मतलब होता है क्यों, उनके पास तो दे हो गया, तो उनके के लिए क्या लगेगा, वाई डू दे नॉट हैव बुक्स, वाई डू दे नॉट हैव बुक्स, उनके पास किताबें क्यों नहीं हैं, उनके पास किताबें क्यों नहीं हैं, इस तरह से वाक्य बनाया जाता है। तो पहले हमारा लगता है अगर डब्ल्यू एच वर्ड है तो डब्ल्यू एच वर्ड लग जाएगा, अगर नहीं है तो हेल्पिंग वर्ड लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, इसके बाद हैव। इसमें गलती मत कीजिएगा कि हैव के बाद नॉट लगाना, बिल्कुल नहीं, हैव के बाद नॉट नहीं लगेगा, इसमें भी हैव के पहले ही नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और दैनिक जीवन में आप इंग्लिश का यूज कर सकते हैं इस तरह के वाक्यों से। तो अपने फ्रेंड्स से इस वीडियो को जरूर शेयर करें, इसी तरह के अमेजिंग और यूनिक वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।